मजेदार शो विदाद इन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका तमाम फीडबैक हम लोग पढ़ते हैं, उससे सीखते भी हैं और अपने शो को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। कैसे सब लोग? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मजे में। वेल डन। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अमजद। वालेकुम सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आज भी आज एक सवाल चल रहा है आपको देख के कि आज आपके कपड़े कलर कोऑर्डिनेटेड कैसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है। ओके। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ये बात पता है कि मैं बहुत सख्त कलर ब्लाइंड हूं। तो कुछ नहीं पता क्या पहन के आ जाते हैं। हाँ। और आज इत्तेफाक से कलर कोऑर्डिनेटेड पता नहीं कैसे वो होता है निकलते हुए कि मैं जो कपड़े मेरे बने होते हैं और आए होते हैं शो के लिए मैं पहन के आ जाता हूँ। वेरी गुड। ये सिर्फ एक इत्तेफाक। तो ये आप जो कपड़े बना रहे हैं उसको ही बोल दें कि भाई मेरे कपड़े कलर कोऑर्डिनेटेड कर दो? नहीं, उसको तो पता होता है क्योंकि वो बहुत सारे कपड़े बनते हैं, 3-4 शोज के कपड़े बनते हैं हर महीने। हाँ। तो वो मुझे कोई 30-40 कपड़े लाके देता है। देता है, ठीक है। तो ये तो नहीं बता सकता ना कि क्या है। अगर वो मुझे कहेगा ब्लू पहन लो। हाँ। तो मैं ब्लू देखूंगा कैसे पहनने के लिए। तो बस सेट बना के दे दे यार कि इसको इस तरह से पहने, इसको इस तरह से। वो मेरा स्टाइलिस्ट है, मेरी अम्मी है नहीं। अच्छा, पूरे महीने के शोज वो मेरे लिए। तो फिर अम्मी को ही बोल दो ये काम कर दे। अम्मी दूसरे कामों में मसरूफ होती है, दूसरे कामों में। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो माशाल्लाह आप, मुझे जिंदगी में किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं काम करने आता हूँ जी, और काम करके चले जाता हूँ। मेरे कपड़े कोऑर्डिनेटेड हो या ना हो। हाँ। ज्यादा खूबसूरत लग के क्या करना है? इस चीज के लिए बहुत ढीठ होना पड़ता है। हाँ। और ये है शुरू से जिस तरह ये इंसान की बनाई हुई चीजें मेरे हिसाब से। बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे कि जी काले के नीचे काला ना पहने, काले के नीचे ब्राउन पहने। इंसान की बनी हुई चीज है। वाह, मैंने अपनी चीज बना ली। वाह, चलो यार काम करो अपना। ठीक है जी, कोई बात नहीं आदि भाई, आपको जैसा दिल चाहे आप वैसा पहने। मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी और आखिर में मैंने ही जवाब देना है अपना। जवाब देना है? हाँ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जी जी। आज की जो हमारी गेस्ट है, चलो शुक्र है। क्या शुक्र है? क्या हमारी गेस्ट है? आदि भाई बहुत खुश होते हैं जब इनको पता चलता है। एक क्यों नहीं हो यार, मैं हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी खुशी से। मैं एक बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ, अगर किसी लड़की को देख के मुझे खुशी हो रही है इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, खुशी नहीं हो ये मसला है। हाँ, ये मसला है कि खुशी नहीं हो रही। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि आप खुश रहे, मैं चाहता हूँ आप खुश रहे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी एक लड़के का शो हो उसके फौरन बाद हमारे पास कोई ऐसी गेस्ट आ जाए जिसपे आदि भाई खुश हो जाए। तो जी आज की जो हमारी गेस्ट है वो हमारे इंडस्ट्री में बड़ा ही जबरदस्त एडिशन है, क्योंकि वो एक्टिंग के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त सिंगर भी है। और जैसे ही आई है जो जो उन्होंने काम किया है वो आके छा गई है, चाहे वो कॉमिक कैरेक्टर्स हो, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर हो, चाहे वो सिंगिंग हो। तो जो करती है बहुत जबरदस्त करती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, उनको बुलाएंगे और बहुत सारा तंग करेंगे। मजेदार मजेदार द मजेदार शो।